सबका अभिनंदन। वेद विद्यापीठ डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ और लोकार्पण समारोह में उपस्थित वहाँ के गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय श्री प्रोफेसर आईवी त्रिवेदी जी, सचिव श्री डॉक्टर विशेष पांड्या जी और जो संचालन कर रहे हैं डॉक्टर नरेंद्र पानेरी जी, जो भी इसमें सहभागी हैं ऐसे सभी सम्मानित और विद्वज्जन जिन्होंने मंगलाचरण किया, हम लोगों को आशीष दी, ऐसे विद्वज्जन में मुझे आज बड़ी प्रसन्नता हुई कि वेद विद्यापीठ डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ हो रहा है और साथ ही साथ उसका लोकार्पण समारोह भी है। वेद विद्यापीठ नाम सुनते ही लगता है कि सही माने में इस स्थान पर वैदिक दृष्टि से एक अच्छी जानकारी रखते हुए अपनी आचरण व्यवहार संस्कार संस्कृति के माध्यम से लोगों को अपनी तरफ आकृष्ट तो करेंगे ही, साथ ही साथ वेद के प्रति समर्पण भाव को भी अपने जानकारी के माध्यम से लोगों को आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। माँ त्रिपुर सुंदरी की दिव्य एवं पावन धरा पर भारतीय ज्ञान परंपरा के अक्षय भंडार वेदों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रारंभ किए जाने वाले वेद विद्यापीठ के लिए छोटी काशी से विख्यात राजस्थान के बांसवाड़ा निवासियों का को मेरी ओर से बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आईवी त्रिवेदी और उनकी टीम ने वेद विद्यापीठ की स्थापना के लिए जो प्रयास किए हैं वो अत्यधिक प्रशंसनीय हैं। मेरा यह मानना है कि वेद भारतीय ज्ञान विज्ञान की पहली सीढ़ी है। संपूर्ण भारतीय संस्कृति, कला, साहित्य, धर्म, विज्ञान और दर्शन वैदिक सिद्धांतों और उनकी भावधारा से ही अनुप्राणित हैं। सभी शुभ एवं मांगलिक कार्यों को प्रारंभ करने से पहले वेद के कुछ मंत्रों का ही पाठ होता है। यही मंत्र स्वस्ति वाचन है। स्वस्ति यानी कल्याण करने वाला। ऋग्वेद का यह सूक्त मुझे बहुत प्रिय है। आनो भद्राः कृतयो यन्तु विश्वतः। अर्थात हे प्रभु, हमें सब ओर से कल्याणकारी विचार प्राप्त हो। वेद शब्द का अर्थ ही है जो सनातन है, जो अपूर्व ज्ञानप्रद है और जिसमें अलौकिक विचारों का अमृत कोश है। इसीलिए मैं यह मानता हूं कि लौकिक और लोकोत्तर लाभप्रद कोई ग्रंथ है तो वह वेद है। अर्थात भौतिकता और आध्यात्मिकता को चरम पर पहुंचाने वाला अगर कोई ज्ञान है तो वेद है। और उसी से ही लोकोत्तर आनंद की अनुभूति भी होती है। भारतीय संस्कृत को मैं वेद संस्कृत कहता हूं, इसलिए कि वेदों के प्रारंभ में 80,000 मंत्र कर्मकांड का निरूपण करते हैं और आदि में लिखा हुआ है अथातो धर्म जिज्ञासा। यहीं से मानव जीवन का संस्कार प्रारंभ होता है। गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत 16 प्रकार के संस्कारों का निरूपण वेद करते हैं। सरस्वती घाटी, सिंधु घाटी की सभ्यता के विकास के मूल में वैदिक दृष्टि और संस्कृति ही तो रही है। विश्व भर के विद्वानों ने वेदों में निहित हमारे ज्ञान पर शोध कर हमारी इस संस्कृति को सराहा है। लियो टॉल्स्टॉय महान मानवतावादी विद्वान कहे जाते हैं, परंतु उन्होंने खुद अपने लेखन में
स्वीकार किया है कि वेद की ऋचाओं ने उन्हें अंदर तक प्रभावित किया और उसका उन पर प्रभाव रहा है। शोपेनहावर, हेनरिक जिमर आदि जर्मन विद्वानों की सुदीर्घ परंपरा वेद विद्या के अध्ययन से ही समृद्ध और संपन्न होती रही है। अथर्ववेद की भूमि सूक्त में आता है, भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूं, राष्ट्र को माता स्वरूप मानते उसे नमन करने के ऐसे भाव वेदों में सर्वत्र है। और इसीलिए कहते हैं कि अथर्ववेद में अगर राष्ट्रीय एकता और अखंडता के स्वरूप को अगर देखना है तो अथर्ववेद का गहन अध्ययन करना चाहिए। भूमि के प्रति समर्पण का भाव अगर कहीं दिखाई पड़ता है और उसके अंदर समरस होने की ये जो मानसिकता का निर्माण कहीं दिखाई पड़ता है, उस पर के संस्कार कहीं दिखाई पड़ते हैं, तो अथर्ववेद को पढ़िए और अथर्ववेद के माध्यम से इन राष्ट्रीय एकता के सूत्र को अपने अंदर आत्मसात करके आगे बढ़िए, तो कहा जा सकता है कि सही माने में यही एक राष्ट्रवाद का एक अच्छा स्वरूप है। राष्ट्र को माता स्वरूप मानते हुए उसे नमन करने के ऐसे भाव वेदों में सर्वत्र हैं। इसलिए मेरा यह मानना है कि वेद राष्ट्रीयता की उदात्त भावना प्रदान करने वाले ज्ञान के महासागर हैं। इसलिए सभी राष्ट्रवासियों को चाहिए कि राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत वेदों की शिक्षा को हम व्यवहार में ग्रहण करें। वेद विद्यापीठ की स्थापना को इसीलिए मैं अत्यंत महत्वपूर्ण मानता हूं। मेरा यह भी मानना है कि वेदों में वर्णित संस्कार विधि के अनुसार यदि माता पिता अपने बच्चों को सुसंस्कृत करें तो बालक का सर्वांगीण विकास हो सकता है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि समस्त शास्त्र, पुराण, इतिहास, रामायण, गीता और महाभारत आज जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उनका मूल आधार वेद ही है। वेदों के बाद ही ये सब लिखे गए। हमारे जो चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद, उन्हें ईश्वर का निश्वास कहा गया है, यानी ईश्वर द्वारा ही यह निर्मित है। समस्त जगत का निर्माण वेदों से ही माना गया है, इसीलिए इन्हें अपौरुषेय भी कहा गया है। मनुस्मृति के अनुसार वेद श्रुति है, यानी सुना हुआ ज्ञान। इसके बारे में कहा जाता है जो हमारे ऋषि मनीषी जो गहन तपस्या किए और तपस्या के माध्यम से जो आत्मानुभूति हुई और उसके जरिए से ईश्वर के स्वरूप की जो कल्पना हुई, उस कल्पना को मंत्रों में अव्यक्त ही उन्होंने किया। अब मंत्रों को बार बार अव्यक्त करते हुए किस माध्यम से हम इस शरीर को अनंत में विलीन कर सकते हैं, साक्षात्कार कर सकते हैं, और ऐसे सारे मंत्र अपनी अनुभूति के आधार पर उन्होंने पढ़ना शुरू किया। ये मंत्र ऋषियों मुनियों की अनुभूति है, अनुभूति जन्य ज्ञान है, और अनुभूति जन्य ज्ञान के अंदर ताकत होती है, शक्ति होती है। शब्दों का प्रयोग भी उसी प्रकार का होता है। वेद में लोग कहते हैं आरोह अवरोह का बड़ा महत्व होता है, आरोह अवरोह उसी के ऊपर आधारित है और उसके अनुसार ही उसका प्रभाव पड़ता है। वो लिखित नहीं था, वो मंत्रोच्चार था, अनुभूति जन ज्ञान को अपने मुख के द्वारा उच्चरित किया हुआ ज्ञान था, उसको पीढ़ी दर पीढ़ी याद करते गए और बाद में उसको लिपिबद्ध किया गया है, जिसको मनुस्मृति में श्रुति कहा गया। सुने हुए ज्ञान को लिपिबद्ध करना, इसलिए वेद को अपौरुषेय कहा गया है। वेद अपौरुषेय है, कहते हैं भगवान का निश्वास है जिसे इसके बारे में वर्णन किया गया है। समस्त जगत का निर्माण वेदों से ही माना गया है, इसीलिए उन्हें अपौरुषी भी कहा जाया है। मनुस्मृति के अनुसार वेद श्रुति है, यानी सुना हुआ ज्ञान। सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक जिसकी सहायता से बड़े बड़े ऋषि मुनियों को सत्य विद्या ज्ञात हुई वह श्रुति वेद है। वेदकालीन ऋषियों ने समाधि में जो महाज्ञान प्राप्त किया
और इसे जगत के कल्याण के लिए प्रकट किया, वह महाज्ञान ही वेद है। मेरा यह मानना है कि जीवन और साहित्य की कोई भी विधा ऐसी नहीं है जिसका बीज वैदिक वाङ्मय में ना हो। इसीलिए हमारे यहां कहा गया है अनंता वै वेदाः, अर्थात वेदवाणी अनादि अनंत सनातन है और ब्रह्मा जी द्वारा लोक हितार्थ ही इन्हें प्रकट किया गया है। आज इस शुभ घड़ी में आदि शंकराचार्य जगतगुरु शंकराचार्य को नमन करते हुए मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने 8 वर्ष की आयु में ही समस्त वेद वेदांगों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था और 16 वर्ष की अवस्था में तो समस्त वेद वेदांगों के भाष्य उन्होंने लिख दिए थे। वह जब 24 वर्ष के हुए तो वेद विरोधियों को उन्होंने अपने अकाट्य तर्कों से परास्त कर सनातन धर्म ध्वजा फहरा दी थी। उम्र के 32वें वर्ष में संपूर्ण विश्व में वैदिक धर्म की स्थापना करके चारों दिशाओं में विशाल मठों की उन्होंने स्थापना की थी। उद्देश्य था कि व्यक्ति अपने घर से बाहर निकले, बाहर की दुनिया को देखे और उससे भीतर की समझ विकसित करे। इसीलिए 4 दिशाओं में मठों के रूप में उन्होंने तीर्थ स्थापित किए। तीर्थाटन की उनकी प्रारंभ परंपरा से ही आज के पर्यटन का जन्म हुआ है। आज जगदूत शंकराचार्य ने अद्वैत को इस तरीके से बढ़ाया, ईश्वर एक है, अहम ब्रह्मास्मि, ये जो कल्पना दी अद्वैत, अद्वैत के माध्यम से ही हम सही माने में ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं। अपने अकाट तर्कों के आधार पर बौद्धों को भी उन्होंने परास्त किया, उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को भी अपने अकाट तर्कों के माध्यम से किनारे किया, उनके अनुयायी पर्याप्त मात्रा बने और देश के राष्ट्र के एकता के प्रतीक के रूप में सबसे पहले उस समय अगर किसी को हम देख सकते हैं तो जगतगुरु शंकराचार्य को देख सकते हैं। चारों तरफ उन्होंने मंदिर बनवाए और इसीलिए बनाए कि लोग जाएंगे एक जगह से दूसरे स्थान पर जाएंगे, विविधता में एकता क्या होती है इसका दर्शन करेंगे, विभिन्न प्रकार की भाषा शैली होगी, विभिन्न प्रकार के रहन सहन होंगे, विभिन्न प्रकार के खान पान होंगे, विभिन्न प्रकार की सारी चीजें होंगी, लेकिन उसमें भी एक एकत्व का दर्शन होता है। वो जो भारतीय संस्कृति है, यह वेद के माध्यम से, वेद के गहन अध्ययन से, वेद के अंदर जो अनुभूति जन ज्ञान है उसके जरिए से जगदगुरु शंकराचार्य ने अपने तर्कों के द्वारा, अकाट तर्कों के द्वारा जो इसके विरोधी थे उनको परास्त किया था। और सही माने में राष्ट्रीय एकता का अगर प्रतीक कोई हो सकता है तो वो थे। सामाजिक एकता, राष्ट्रीय एकता, वैश्विक एकता, उसे स्वरूप का दर्शन कराया था। ऐसे जगदगुरु शंकराचार्य जी जिन्होंने सबको बाहर निकलकर जाकर चारों धाम इसका दर्शन करेंगे, उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी, अर्थात लोग राष्ट्रीय एकता की अनुभूति कर सके, सामाजिक एकता की अनुभूति कर सके, भौगोलिक एकता की अनुभूति कर सके, दैशिक एकता की अनुभूति कर सकते, वो भारतीय संस्कृति एक प्राण तत्व है इसकी भी अनुभूति कर सकते। यह वेद के माध्यम से जगदीश शंकराचार्य ने लोगों के मन मस्तिष्क में स्थापित करने का प्रयास किया था। आज शंकराचार्य का स्मरण मुझे यहां इसलिए हो रहा है कि भारतीय संस्कृत के वह ऐसे महान आचार्य थे जिन्होंने अपने समय में वेदांत सूत्रों के जरिए उस समय में वैज्ञानिक स्थापना की। ऐसे समय में जब हर कोई अपने को महान और भगवान बनाने में लगा था, शंकराचार्य ने कहा कि वेद ही श्रेष्ठतम है। उन्होंने कहा कि भगवान कैसे हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनकी प्राप्ति कैसे होगी, यह सब वेद बताते हैं। उन्होंने बताया कि वेदों का अध्ययन इसलिए भी जरूरी है कि इन्हें यदि नहीं पढ़ा तो कोई भी व्यक्ति अपने को भगवान बताकर हमें भ्रम में डाल सकता है। सोचिए उनकी एक कैसी दिव्य दृष्टि थी, एक ऐसी विरल दृष्टि थी
जो सबके अंदर नहीं होती है। वैदिक ज्ञान का केंद्रीय चिंतन ही है सत्य, प्रकाश और अमृत की खोज। मैं तो बल्कि यह भी मानता हूं कि वेद भगवान का संविधान है, ईश्वर का संविधान है। संविधान के रूप में हम आजकल कहते हैं ना कि हमारा संविधान ही हमारा वेद है। इस समय लोकतंत्र को चलाने वाला, लोकतंत्र के अंदर भारत का संविधान यही हमारा वेद है, यही हमारा ग्रंथ है, यही हमें दिशा निर्देश करने वाला है। इसी तरीके से पूरे विश्व को संचालित करने वाला, पूरे विश्व के अंदर आध्यात्मिकता और भौतिकता की मर्यादाओं को स्थापित करते हुए कैसे जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है, इसका निर्देश देने वाला ये भगवान का संविधान, ये वेद है। वेद के माध्यम से ये हो सकता है। और ऐसे अनेक मंत्र इनमें हैं जिनसे शिक्षा प्राप्त कर मनुष्य सर्वोच्च पर पहुंच सकता है। इनमें ही इस लोक को सुखमय और परलोक को कल्याणमय बनाने का ज्ञान समाया हुआ है। इसलिए वेद विद्यापीठ की स्थापना का समाचार जब मैंने सुना तब से ही मन में अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति कर रहा हूं। सच पूछिए तो मेरी मनोकामना की पूर्ति है। मैं इसके लिए आप सभी के प्रति कृतज्ञता जताते हुए स्वस्थ कामना करते हुए यह विश्वास व्यक्त करता हूं कि यह वेद विद्यापीठ आधुनिक एवं पुरातन ज्ञान के समन्वय का श्रेष्ठ मंच स्थापित करेगा, साबित होगा। वेदों को इसीलिए शुद्ध कहा जाता था कि यह श्रवण आधारित समृद्ध भारतीय परंपरा रही है। सदियों के इस परंपरा के बाद भी इस ज्ञान का आज इस रूप में उपलब्ध होना, इसकी निरंतरता के साथ प्रामाणिकता व उपादेयता को सिद्ध करता है और इसकी निरंतरता को भी विद्यमान रखता है। इसकी निरंतरता लगातार बनी रहे, इस स्वरूप को भी दिशा निर्देशित करता है। वेदों का ज्ञान हमें प्रकृति और पर्यावरण से दैवीय माध्यमों से जोड़ता है। यह सिखाता है कि किस तरह हम प्रकृति में परमात्मा का अनुभव कर सकें, कैसे आधुनिक विकास के साथ परंपरा को सहेजते हुए जीवन में समन्वय स्थापित कर सकें। जगदीश चंद्र बोस ने इस बात को साबित किया है कि वनस्पतियों में प्राण होते हैं, उन्होंने अपने वैज्ञानिक प्रयोगशाला के माध्यम से साबित किया। वनस्पतियों प्राण है, वृक्षों में प्राण है। अरे कोई कहता कह रहे ऐसे कैसे कह रहे, तो नहीं, वो प्राण है, उसमें जीव है, प्राण तत्व को साबित करता है। इतनी वैज्ञानिक श्रेष्ठता वेद के अंदर विद्यमान थी। आज उसको इसके बीच में समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है। मुझे एक याद है कि विश्वविद्यालय की अधिकारिता के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिलों में घने वन हैं। प्रत पूजा के अनुयायी जनजाति समाज की भी यहाँ बहुतायत है। मैं मानता हूँ कि वेदों का ज्ञान परोक्ष रूप से आज भी इस जनजाति समाज में प्रत पूजा या औषध विज्ञान के रूप में मौके रूप से संरक्षित है। हमें बताया गया है कि बांसवाड़ा क्षेत्र में कुछ ऐसे गाँव हैं जिस गाँव में कोई संस्कृत में ही वार्ता होती है, संस्कृत में ही बोलते हैं। स्वाभाविक रूप से मंडन मिश्र का ध्यान आ जाता है। कहते हैं मंडन मिश्र के यहाँ जब जाकर पूछा गया कि मंडन मिश्र का घर किधर है, तो उनको बताया गया कि जहाँ पक्षी भी संस्कृत में बात करते हैं, जहाँ पूरा पर्यावरण ही संस्कृतमय हो, संस्कृत का उच्चारण हो, समझ लो वो गांव मंगल मिश्र का है, मंडन मिश्र का है और घर उसके पास है। एक अद्भुत स्वरूप बांसवाड़ा क्षेत्र में हमें लगता है कि शायद इधर ही उस पर का सृजन रहा होगा। इसलिए ये जनजाति क्षेत्र वेदों से द्वारा ज्यादा आपूरित हैं ऐसा मुझे अनुभव होता है। और निश्चित रूप से वहाँ जाकर हर क्षेत्र का दर्शन करना चाहिए, जिसका अभी वर्णन आदरणीय श्री त्रिवेदी जी ने किया और कहा कि यहाँ तो अनेक तीर्थस्थल हैं, माँ त्रिपुर सुंदरी हैं। कहते हैं कि त्रिपुर सुंदरी वहाँ जाने के पश्चात स्वाभाविक रूप से
दिखाई पड़ता है कि कैसे कैसे विनाशकारी राक्षसों का उन्होंने नाश किया था, उनका संहार किया था, नकारात्मकता को कैसे ध्वस्त किया था। लोगों के अंदर सकारात्मकता का भाव जागृत हो, देवत्व की भावना का निर्माण हो, उसको एक तरह से दिशा निर्देश किया था। ऐसी त्रिपुर सुंदरी और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां अगर दर्शन करिए तो उस प्रकार की अनुभूति होती है। वेद विद्यापीठ के माध्यम से यह परंपरा न केवल संवर्धित होगी अपितु समाज में समाजों में समन्वय भी स्थापित होगा, जो वर्तमान युग की महती आवश्यकता है। मेरे ध्यान में लाया गया है कि बांसवाड़ा में नागर ब्राह्मण समाज में आज भी ऋग्वेद की शांख्यान शाखा की ऋचाओं के सस्वर गान करने वाले ज्ञाता लोग हैं, जो पूरे भारतवर्ष में कदाचित यही विद्यमान है। मुझे विश्वास है कि शांख्यानी शाखा के संरक्षण और सामवेद के मंत्रों के गायन की परंपरा को पुनर्भव करने में वेद विद्यापीठ का महत्वपूर्ण योगदान होगा। वेद विद्यापीठ की स्थापना बागर कांठल के लिए ही नहीं अभिदु संपूर्ण राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश प्रांत के लिए शुभ फलदायी होगा। इससे सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक उन्नत का मार्ग प्रशस्त होगा। वर्तमान कोरोना महामारी में डिजिटल माध्यम एक उपयोगी व आवश्यक संप्रेषण साधन बन चुका है, इसलिए वेद विद्यापीठ द्वारा डिजिटल माध्यम से विद्वज्जन का सारस्वत आतिथ्य प्राप्त करने हेतु प्रयास श्लाघनीय है। इस महनीय कार्य में संलग्न वेद विद्यापीठ के निदेशक डॉक्टर महिपाल सिंह राव एवं सचिव डॉक्टर विशेष पांड्या जी सहित विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी व कार्मिकों को मैं बधाई देते हुए यह अपेक्षा रखता हूं कि परिस्थितियों के सामान्य होने पर वेद विद्यापीठ के कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष भाग लेने का सुखद अवसर प्राप्त होगा। धन्यवाद। जय हिंद।